हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी रीडिंग एंड फन बुक है। ठीक है, रीडिंग इज फन। यहाँ पे आपको स्टोरीज मिलेंगे। इस बुक में क्या है आपकी स्टोरीज। आप भी निकाल लीजिए अपनी ये बुक। रीडिंग इज फन, टेक आउट योर रीडिंग इज फन नोटबुक बुक। ठीक है, अब इसमें हम निकालेंगे पेज नंबर 3। टेक आउट पेज नंबर 3। निकाल लिया सबने? यहाँ देखिए, ये रहा पेज नंबर 3, ये देखिए। ठीक है, और इस स्टोरी का नाम क्या है? मम्स गिफ्ट। क्या नाम है इसका? मम्स गिफ्ट, यानी मम्मा का गिफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हम इसे यहाँ पे रीड करेंगे। आप भी देखिएगा, मैम आपको बताएंगी। ओके, पेज नंबर 3 निकाल लिया आपने। पेज नंबर 3 में यहाँ पे स्टोरी है मम्स गिफ्ट। ओके, अब इसको हम रीड करेंगे। देखिए, दिस इज सैम। ये कौन है बॉय? इसका नाम क्या है? सैम। ये सैम है। सैम इज अ गुड बॉय। सैम कैसा बॉय है? गुड बॉय है, अच्छा लड़का है। ठीक है, ही ड्रिंक्स मिल्क। वो क्या करता है? डेली मिल्क ड्रिंक करता है। ठीक है, क्या ड्रिंक करता है? मिल्क, दूध डेली पीता है वो। आप भी पीते हैं दूध? यस, हमेशा पीना चाहिए, डेली दूध पीना चाहिए। ओके, एंड हैज़ फ्रूट्स टू। और क्या खाता है? फ्रूट्स भी खाता है साथ में। दूध तो पीता ही है और साथ में फ्रूट्स भी खाता है, जो हमें भी खाना चाहिए। ठीक है, तो ये सैम है, ये एक बहुत अच्छा बॉय है, गुड बॉय है। वो डेली मिल्क पीता है और फ्रूट्स भी खाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब निकालेंगे नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4। ठीक है, निकाल लिए अपने पेज नंबर 4। यस, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, टुमारो इज हिज मम्स बर्थडे। अब टुमारो यानी कि कल, कल क्या है? इसकी मम्मा का बर्थडे है। ठीक है, क्या है कल? इसकी मम्मा का बर्थडे है। ही वॉन्ट्स टू गिव हर अ गिफ्ट, और वो अपनी मम्मा को एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता है। ठीक है, आप भी सोचते होंगे आपकी मम्मा का बर्थडे आता होगा तब, कि मम्मा को हम क्या अच्छा सा गिफ्ट दें। सोचते ही नहीं सोचते, ऐसे ही ये भी सोच रहा है कि मैं मम्मा को क्या गिफ्ट दूँ, एक ग्रीन हैट गिफ्ट दूँ या फिर एक रेड पेन गिफ्ट दूँ या एक बैट गिफ्ट दूँ। वो ये सोच रहा है कि मैं मम्मा को क्या गिफ्ट दूँ जो मम्मा को पसंद आए। ठीक है, फिर क्या है? ही थिंक्स एंड थिंक्स। उसने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, सोचते सोचते फिर उसने क्या कहा? एंड देन सैम हैज़ एन आइडिया। फिर उसके दिमाग में सोचते सोचते एक आइडिया आ गया। ठीक है, क्या आइडिया आया? ये देखिए नेक्स्ट पेज पे, आई विल मेक अ कार्ड फॉर मम। मैं अपने हाथों से मम्मा के लिए एक क्या बनाऊँगा? कार्ड बनाऊँगा। ये देखिए, वो कार्ड बना भी रहा है। ठीक है, देखिए, सैम मेक्स अ कार्ड। सैम ने क्या बनाया? एक कार्ड बनाया। उसमें क्या क्या ड्रॉ किया? ही ड्रॉज अ कैट। उसने उसमें एक कैट ड्रॉ करी, बिल्ली ड्रॉ करी एंड अ रैट। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे एक कैट ड्रॉ करी उसने और यहाँ पे रैट ड्रॉ करी। यहाँ पे बिल्ली बनाई और यहाँ पे चूहा बनाया। ठीक है, देखा आपने? दिख रहा है? यस, ही प्रिंट्स विथ हिज थम्स ऑन इट। इसने क्या किया? अपने थम्स से इसको प्रिंट किया। ठीक है, अपने अंगूठे से ऐसे डिप कर करके कलर में इसको प्रिंट किया है। ठीक है, ओके, सो इट इज सो कलरफुल। और उसने उसको बहुत सुंदर कलरफुल बना दिया कार्ड को। ठीक है, तो सैम ने क्या बना दिया? यहाँ पे एक कार्ड बना दिया मम्मा के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब नेक्स्ट पेज निकालेंगे, पेज नंबर 6। ये देखिए, अब यहाँ पे उसने क्या किया? कार्ड तो बना दिया, फिर वो मम्मा को अभी दिया नहीं है। उसने क्या किया है? सैम हिड द कार्ड अंडर द रेड बेड। अब ये जो रेड वाला बेड है उसका, वहाँ पे उसके रेड बेड के नीचे सैम ने अपना कार्ड छुपा दिया। ठीक है, अभी तो मम्मा का बर्थडे नेक्स्ट डे है ना, इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए उसने छुपा दिया। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर हिज मदर। ओके, उसने सरप्राइज प्लान किया है मम्मा के लिए, कि मैं मम्मा को सरप्राइज करूँगा। ठीक है, तो उसने वो कार्ड छुपा दिया। अब देखिए यहाँ पे, सैम वेक्स अप नेक्स्ट डे। जब उसकी मम्मा का बर्थडे था, सैम वेक्स अप, वो उठा एंड सेज
हैप्पी बर्थडे मामा। क्या बोला उसने मामा को? हैप्पी बर्थडे। और वो कार्ड दिया उसने मामा को, ये देखिए, ठीक है। और मामा ने क्या बोला? थैंक यू सैम, दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट। और उसकी मामा ने बोला कि ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है मेरे लिए। ओके स्टूडेंट्स, और शी इज़ वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश हुई। वो खुश क्यों हुई? क्योंकि वो गिफ्ट उसने अपने हाथों से बनाया है, है ना, मार्केट से नहीं खरीद के लाया, उसने खुद मेहनत करके अपने हाथों से अपनी मामा के लिए कार्ड बनाया। इसलिए आपके भी मामा का या पापा का किसी का बर्थडे आए ना, तो आप भी अपने हाथों से कार्ड बनाइए मामा के लिए, या कुछ भी अच्छा सा गिफ्ट बनाइए, लेकिन अपने हाथों से बनाइए, तो आपके मामा और पापा ज़्यादा खुश होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी स्टोरी आपकी, कि हम जो मेहनत करके काम करते हैं ना, उससे मामा और पापा ज़्यादा खुश होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।